जय हिंद दोस्तों, इस वक्त की दुखद खबर सिक्किम से आ रही है। सिक्किम की विनाशकारी बाढ़ में लापता उड़िया का जवान का शव दोपहर को बरामद हुआ। उनके परिवार ने वीडियो कॉल के जरिए जवान के शव की पहचान की। 3 अक्टूबर को सिक्किम में अचानक आई बाढ़ से सरोज और उसके 22 जवान लापता हो गए थे। तब से उनके लिए लगातार राहत एवं बचाव कार्य चल रहा था। शहीद सरोज दास केंदुदीप गांव के रामचंद दास और दुहिता दास के छोटे बेटे हैं। साल 2011 में सेना में शामिल हुए थे। एक हवलदार के रूप में सेना के तकनीकी विभाग में कार्यरत थे। मात्र 7 महीने पहले ही उनकी शादी हुई थी। वह पश्चिम बंगाल में काम करने के दौरान 15 दिन पहले घर आए थे। घर से लौटने के बाद उनकी पोस्टिंग सिक्किम में हुई थी। उनकी टीम वहां बाढ़ पीड़ित लोगों को बचाने में लगी हुई थी। मंगलवार की रात उन्होंने अपने बड़े भाई मनोज को फोन कर बाढ़ की स्थिति के बारे में बताया था। उन्होंने बताया था कि भारी बारिश के कारण बचाव कार्य ठीक से नहीं हो सका। थोड़ी बात करने के बाद उसने सुबह फ़ोन करने की बात कही। उसने भाई से सुबह उनसे संपर्क करने की कोशिश की तो लेकिन उनका फ़ोन कनेक्ट नहीं हो पाया। बाद में टीवी पर देखने के बाद घर वालों को सरोज के लापता होने की खबर मिली। सरोज के शव बरामद होने पर घर परिवार में कोहरा मचा है। बता दें कि कल जब से सरोज के लापता होने की खबर परिवार पर पहुंची तो परिवार में दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। गौरतलब है कि रेस्क्यू टीम ने कहा कि बाढ़ में कम से कम 14 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि 102 लोग अभी भी लापता है। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि लापता लोगों की तलाश अभी भी जारी है। हालांकि रुक रुक कर हो रही बारिश और तूफान के कारण बचाव अभियान में बाधा आ रही है। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्किम के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग से बात की और स्थिति का जायजा लिया। तो दोस्तों, मैं भगवान से यही दुआ करता हूँ कि वीर जवान की आत्मा को भगवान अपने श्री चरणों में स्थान दे और इस दुख की घड़ी में उनके परिजनों को दुख सहन करने की क्षमता दे। जब तक सूरज चांद रहेंगे तब तक वीर बलिदानी आपका नाम रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को अनदेखा ना करें। देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर बलिदानियों के लिए इस वीडियो को एक लाइक एक शेयर और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे फिर मुलाकात होगी नई किसी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।